बता दें बीजेपी विधायक दल की बैठक है आज। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की विधायक दल की आज बैठक है और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर ये बैठक होगी, काफी अहम होगी। विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है बीजेपी और आज की बैठक में रणनीति बनेगी। तो बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास पर यह बैठक होगी। विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी है। आज की बैठक में रणनीति इस बारे में बनाई जाएगी। तो काफी अहम ये बैठक होने वाली है। 18 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इसी सत्र को लेकर बीजेपी दल की आज बैठक आयोजित होगी। स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। स्वप्निल, विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में चर्चा होने वाली है और बड़ी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होना है और ये सत्र 4 दिनों का रखा गया है, तो उसके पहले बीजेपी जो है सत्र की तैयारियां जो है वो तेज करती हुई नजर आ रही है। और आज भाजपा विधायक दल की बैठक शाम 5:30 बजे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के निवास में रखी गई और इस बैठक में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में जो घोटाले सामने आए हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, इसके साथ ही जो ईडी की कार्रवाई जो लगातार चल रही है, उस मुद्दे को भी बीजेपी जोर शोर से उठाएगी, तो इस पूरे मसले पर चर्चा होगी और किन किन मुद्दों पर जो है सदन में सरकार को घेरना है उस पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। तो इस संदर्भ में आज जो है ये बैठक रखी गई है। चूंकि अभी सत्र शुरू होने में समय है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी अपनी जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रही है। तो आज जो है विधायक दल की बैठक में खासतौर पर सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाना है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो घोटाले हुए हैं उसको लेकर जो है सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भाजपा नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। तो रणनीति बना रही है भाजपा और इसी को लेकर आज बैठक रखी गई है। बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होगी, बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आज की बैठक में